तो चलिए रुक, अब एक बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें। जबलपुर में नव दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी ने जबलपुर में, तो पति ने 4 महीने पहले ही हुई थी दोनों की शादी। नव दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबलपुर से बड़ी खबर। पत्नी ने जबलपुर में, तो पति ने जर्मनी में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। तो चलें इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बड़ी खबर यहाँ पे, जिस तरीके से देखा जाए तो पत्नी ने जबलपुर में रहकर फांसी लगाई है और पति जर्मनी में था, वहां उसने फांसी लगाई, क्या कारण बताया जा रहा है? जी रम जी, एक बड़ी दुखद बात है। जिस प्रकार से पत्नी जबलपुर निवासी जो रामपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास जो रहने वाली है, जो है कक्कड़ मक्कड़ फैमिली है, जहाँ सिमरन सिंह जो है इनके पति का नाम है, जो और जो पत्नी है उनका नाम, इसी प्रकार से दोनों जो है साथ रहा करते थे। पिछले 4 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और इसी को लेकर जो शादी के बाद से ही कुछ दिन रहने के बाद जो पति है वो जर्मनी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, वहां चला गया। इसी को लेकर सिमरन का विवाह जो है, इसके साथ साथ जो पति सास ससुर नजर घर में रहते थे, पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो परिवार के लोग द्वारा प्रताड़ित किए जाने के चलते इन्होंने फांसी लगाई। पर इसके ये कुछ अभी 2-4 दिन बाद ही जर्मनी जाने की तैयारी में थी, पर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ है। जब पत्नी ने फांसी लगा ली, जैसे ही पति को पता चला वो जर्मनी में रहकर, तो उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये अभी पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। पुलिस सारे मामले की खुला जांच करने के बाद ही बता पाएगी कि ये कारण, फांसी लगाने का कारण क्या था इनका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो एक बड़ी खबर यहाँ जबलपुर से, नव दंपति ने फांसी लगाई है, पत्नी ने जबलपुर में अपने घर में फांसी लगाई है, तो वहीं जर्मनी में पति ने फांसी लगा के आत्महत्या की।